नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बी के और मैं हूँ प्रियंका। वक्त हो चला एक और फटाफट का खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक देखते रहिए न्यूज बी के। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, पहली खबर है झांसी से। झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने किया मतदान। मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, सेल्फी पॉइंट पर ली फोटो। झांसी में भाजपा सांसद अनुराग शर्मा ने किया मतदान, सभी से मतदान करने की अपील। बोले इस बार बूथों की बढ़ी संख्या, निर्वाचन आयोग ने की बढ़िया व्यवस्था। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु किया मार्च, थाने का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आमजन से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गरौठा विधानसभा के मतदान केंद्रों का किया गया निरीक्षण। 2 घंटे तक ईवीएम मशीन खराब होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यक्त की नाराजगी। संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट के विरुद्ध नियम अनुसार निलंबन की कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश। बरुआसागर में तेंदौल मतदान केंद्र पर बेहोश होकर गिरी महिला, हालत बिगड़ने पर एम्बुलेंस के द्वारा झांसी मेडिकल कॉलेज किया रेफर, इलाज है जारी। तो वहीं मऊ रानीपुर में बारात लेकर लौटा दूल्हा, मतदान करने पहुंचा। बोले अपने मत का अवश्य करें प्रयोग, पहले मतदान फिर दूसरा काम, लाइन में लगकर किया मतदान। तो वहीं मऊ रानीपुर में वृद्ध पिता को बेटे द्वारा गोद में ले जाकर कराया गया मतदान, बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़ कर किया मतदान, दिखा अलग ही उत्साह, मतदान के बाद खुश नजर आए बुजुर्ग। झांसी के मऊ रानीपुर में उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बुजुर्ग विकलांग वोटरों को किया सम्मानित, बुजुर्गों ने दिया आशीर्वाद, कार्यक्रम की सराहना, बुजुर्गों और विकलांगों में दिखी खुशी। झांसी से संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सराउगी ने मताधिकार का किया प्रयोग, वासुदेव तिवारी इंटर कॉलेज में जाकर अपने परिवार के साथ किया मतदान, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की सराहना। बबीना की रक्षा में मतदान करने आई बूढ़ी महिला, चलने में थी असमर्थ, मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर मौजूद रही महिला आरक्षीगण ने बुजुर्गों की मदद, मतदान स्थल तक पहुंचाकर कराया मतदान, उत्साहपूर्वक हुआ मतदान। बबीना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सदर बाजार कैंट पोलिंग बूथ पर हुआ हंगामा, पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का लगा आरोप, मतगणना के पहले ही ईवीएम पर महिला ने लगाया आरोप। वोट सपा को देते हैं, पर्ची भाजपा की निकल रही, सेक्टर मजिस्ट्रेट कैमरे के सामने आने से बचे। बबीना विधानसभा की रक्षा में 236 मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन में मिली गड़बड़ी, मतदाताओं को हुई परेशानी, लाइन लगाकर देर तक खड़े रहे मतदाता, 20 मिनट तक बंद रही मशीन। बबीना विधानसभा ग्राम पालर में 104 वर्ष की वृद्ध महिला ने किया मतदान, बेटे के साथ पहुंची मतदान केंद्र, व्हीलचेयर पर बैठा कर किया गया मतदान, लोगों के लिए है प्रेरणा। जालौन में मतदान के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर, कल ही हुई शादी के नव दंपत्ति पहुंचे मतदान केंद्र, अपने मताधिकार का किया प्रयोग, संविधान में जो अधिकार है लोगों को मानना चाहिए, बोली दुल्हन। बांदा में उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, 23 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील, जमकर लगाए नारे, मुख्य चौराहे पर रैली हुई समाप्त। दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सुपर क्लीन संडे 2 का किया शुभारंभ, विधायक प्रदीप अग्रवाल के साथ भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। चिरगांव में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प, 2 दलों के समर्थक आपस में भिड़े, मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। ये थी आज की कुछ खास और ताजा खबरें खबर फटाफट में, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।